इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है। बरेली में महिला ने दलित युवक से ठगे 5 लाख रुपए। ठगी का विरोध करने पर महिला ने जाति सूचक शब्द बोलकर किया अपमानित। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। बरेली के तिलक कॉलोनी का पूरा मामला पीड़ित कर चुका है कई बार आला अधिकारियों से शिकायत। कार्रवाई के नाम पर पीड़ित को मिला बस आश्वासन। जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार में पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। महिला ने ठगे पीड़ित के 5 लाख रुपए। पीड़ित कर रहा कार्यवाही की मांग। महिला नहीं लौटा रही 5 लाख रुपए। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तिलक कॉलोनी में बड़ा नाला के पास थाना सुभाष नगर निवासी वाल्मीकि जाति के सत्यपाल पुत्र स्वर्गीय किशोरी लाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि 8 माह पूर्व बरेली की प्रगति कॉलोनी निवासी अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय सत्यभान से आवासीय मकान का सौदा किया था। इसका रजिस्टर्ड इकरारनामा भी करा लिया, लेकिन उसके बाद जब 5 लाख रुपए ले लिए और रहने के लिए चाबी मकान स्वामी ने दे दी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मकान स्वामी की नीयत खराब हो गई और पूरे मामले में 36 लाख रुपए की मांग करने लगी। जब पीड़ित ने कहा ये धनराशि तो अधिक है, उसके बाद महिला ने अपने रसूख के तेवर दिखाते हुए पीड़ित को अपमानित किया और जाति सूचक शब्द कहना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इकरारनामे में 5 लाख रुपए की धनराशि पहले ही ले चुकी थी महिला, जो अब लौटाने से मना कर रही है। पीड़ित ने पूरे मामले में कई बार राशि वापस करने की मांग की, लेकिन अब महिला पीड़ित के रुपए वापस करने से मना कर रही है। इसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच कर मामले में कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपका सत्यपाल, आपने आज पुलिस अधीक्षक की शिकायत करी, क्या है पूरा मामला? वहाँ मेरा ऐसा है, एक अनिता नाम की औरत है, उसका मकान का सौदा हुआ था मेरा। कितने लाख में हुआ था? 35 लाख का। कितना रुपए दे चुके हैं? 5 लाख रुपए दे चुका हूँ। अब क्या है? अब ना मकान दे रही है ना पैसे वापस कर रही है। इसकी आपने शिकायत कही है और कही? इसकी शिकायत नहीं थी मैंने। कहाँ कहाँ कर चुके किसी ने? नहीं,